भाई सीरीज पार्ट 9, अष्टप्रकारी पूजा के क्या क्या रहस्य हैं, क्यों हमारे धर्म में अष्टप्रकारी पूजा का इतना महत्व बताया गया है, अष्टप्रकारी पूजा करने से क्या क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं इस अष्टप्रकारी पूजा की नई सीरीज में। अष्टप्रकारी पूजा में सबसे पहले नंबर पर आती है जल पूजा। अब जल पूजा क्यों करनी चाहिए, जल पूजा करते समय हमारे क्या भाव होने चाहिए और जल पूजा करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, चलिए देखते हैं। हे प्रभु, जल पूजा करने से मेरे अनादिकाल के कर्म रूपी मेल का नाश हो, इस भावना के साथ हमें जल पूजा करनी चाहिए। पर जल पूजा में सर्वप्रथम दूध का अभिषेक क्यों किया जाता है? तो ऐसा बताया गया है कि जब परमात्मा का जन्माभिषेक होता है तब देव क्षीर समुद्र आदि से दूध जैसा सफ़ेद पानी लेकर आते हैं और परमात्मा का अभिषेक करते हैं। तो अब हम वह पानी तो ला नहीं सकते, तो इसीलिए देवों की भक्ति के अनुकरण के रूप में जल पूजा में सर्वप्रथम ज़्यादा पानी में थोड़ा सा दूध, यानी अप्रोक्स 90% पानी और 10% दूध, ऐसा पानी बनाकर प्रभु का अभिषेक करना चाहिए। हे प्रभु, आपके तो द्रव्य और भाव दोनों धुल गए, आपको तो अब अभिषेक की जरूरत नहीं, लेकिन आपको नहलाकर मैं अपने कर्मों को धोकर निर्मल बन रहा हूँ, ऐसी भावनाएं रखनी चाहिए। मूल गवारे में प्रवेश करते समय मुख कुछ बांध कर ही रखना चाहिए और प्रवेश करने के बाद संपूर्ण मौन रहना चाहिए। अभिषेक के दौरान कलश का स्पर्श परमात्मा को ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अभिषेक करते समय पानी जमीन पर न गिरे उस बात का ध्यान रखें, और गलती से यदि पक्षाल जमीन पर गिर जाए तो उस पर किसी का पैर न जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।